देसी चैनल वेख रहे सारे दर्शकों नूं मेरे यानी सिमरन हंस वल्लों प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। सो जिवें कि तुहानूं पिछे पोस्टर वेख के अंदाज़ा लग गया होवेगा, अज दी इस वीडियो दे विच असीं रिव्यू करन वाले हां फिल्म जिंदगी जिंदाबाद दा। तुहाडे नेड़े दे सिनेमाघरां दे विच पहुँच चुकी है, एक लंबा अरसा इस फिल्म ने इंतज़ार भी करवाया है सिनेमाघरां तक पहुँचने लिए। सो फाइनली जिहड़े दर्शक उड़ीक कर रहे सन इस फिल्म नूं वेखण लई, फिल्म उहनां लई सिनेमाघरां दे विच पहुँच चुकी है ते सारे ही यूथ लई एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सोहना ते मच नीडेड मैसेज लैके आई है फिल्म जिंदगी जिंदाबाद। सब तो पहले फिल्म की कहानी दे बारे गलबात करते हैं। फिल्म नूं वक्रे वक्रे फैक्टर्स दे अकॉर्डिंग आपां रिव्यू करांगे। हाल ही दे विच फिल्म की स्पैशल स्क्रीनिंग हुई है जिस दौरान असीं इह फिल्म नूं वेख्या। सो इस फिल्म का रिव्यू करांगे वक् वक् फैक्टर्स दे अकॉर्डिंग। सब तो पहले फिल्म की कहानी की जेकर गल करिए ते इह फिल्म सच्चियां घटनावां ते आधारित है। मिंटू गुरूसरिया की जिंदगी दे विच जो सच्चियां घटनावां वापरियां, जो कुछ उहनां नाल होया उस ते ये फिल्म आधारित है। उन्होंने जो किताब सूला लिखी उस किताब दे विच जो किस्से दसे गए ने, जो चीज़ें उस किताब दे विच लिखियां गई ने उन्होंने किस्सों के उत्ते ये फिल्म जिहड़ी है आधारित है। सो रियल इंसीडेंट्स ते बेस्ड है। सिर्फ मिंटू गुरूसरिया की कहानी दिखाउण दे नाल नाल इह फिल्म पंजे ही करैक्टर्स नूं दिखाउंदी है, यानी कि पंज दोस्तों की कहानी नूं दर्शाउंदी है। सिर्फ मिंटू गुरूसरिया की कहानी नूं ही नहीं बल्कि असीं उन्हां दे जिहड़े नेड़े तेड़े दे दोस्त सन, जिन्हां दा सर्कल सी, जिन्हां नूं देख के वह इस नशियां वाले राह ते तुर पए सी, असीं सब की जिंदगी की एक झलक देखदे इस फिल्म के जरिए। सो दस दईए इस फिल्म के सिर्फ सानू किसी एक परसन की नहीं पूरे पांच दोस्तों की कहानी दिखती है। अगे उन्होंने परिवारों पर की कुछ वापरता है, की कुछ होंगे जो एक नौजवान पुत्र नशे च पै जाता, वो माँ का की होंगे जे वह व्याया है, तो वो घरवाली का की होंगे, नवी व्याई वोटी का की होंगे, वो बच्चों का की होंगे, वो भैन का की होंगे, की कुछ वो मापिया सहना पैंता है, समाज की कुछ उन्होंने बारे कह लग जाता है, किवें ने ये फिल्म इस कहानी दर्शाती है। जेकर इस दे नाल नाल ए फिल्म ए हौसला भी देगी, जेकर गलती दे नाल तुसी इस लाइन वाल तुर पे हो, इस नशे की दलदल दे विच तसना शुरू कर दिता है, तो यह फिल्म तुहानू इस तो बाहर निकलन दा रास्ता भी दसदी है, क्योंकि जिंदगी जिंदाबाद है, हाले तो मरिया नहीं, हाले तो जिंदगी जिंदाबाद है, बहुत जिंदगी है। सो ये साढ़े हाथ में है, असी किवें अपनी जिंदगी सुधारना है, किवें जिंदगी जिंदाबाद करना है। सो ये फिल्म ये मैसेज बहुत ज़्यादा प्यारा दिंदी है कि तुसी इस दे विचों निकल भी सकते हो, तो स्पैशली उन्हां नौजवानों जिन्हां दे दिमाग में कि ना कि ख्याल आ गया होगा कि मैं थोड़ा जिहा नशा करके देख लवां, या फिर जिहड़े सोच रहे सी कि इस राह दे विच कि इस राह ते पै जाना है, उन्हां नूं ये सेध दिंदी है, उन्हां नूं पहलां ही पिछे मोड़ लवेगी, तो जिहड़े नौजवान उस नशे की दलदल च पै चुके ने उन्होंने वापस लैके आने का राह भी दसती है फिल्म जिंदगी जिंदाबाद। सो इस तो इलावा दस दी कि इस फिल्म की डायरेक्शन की है प्रेम सिंह सिद्धू होर ने। वैसे ही उन्होंने फिल्मां रियलिटी के काफ़ी नेड़े होंदिया ने, काफ़ी सिनेमैटिक होंदिया ने, क्रिएटिवली काफ़ी डूंगा काम किया जाता है। सो प्रेम सिंह सिद्धू होर इस फिल्म के पंजे ही किरदारां दे बैकग्राउंड दिखाउण दा, स्क्रीन स्पेस देण दा, ढुकवें किरदार दिखाउण दा ते ढुकवें सीन दिखाउण दा क्रैडिट जिहड़ा प्रेम सिंह सिद्धू होर जांदा है। इस तो अलावा एक्टिंग ते करैक्टर्स की गल करिए, जिवें कि असी ट्रेलर दे विच भी देख लिया सी ते वैसे भी जानकारी मिली कि इस फिल्म दे विच मिंटू गुरूसरिया का किरदार निंजा ने निभाया। निंजा ने जो परफॉर्मेंस एक्टिंग दे विच दित्ती है, तुसी उन्हां दी सिंगिंग तो वध फैन उन्हां दी एक्टिंग दे हो जावोगे, ये फॉर श्योर है। इस फिल्म नूं वेखण तो बाद तुहानूं फिल्म की कहानी नहीं दसांगी, लेकिन एक सीन जरूर दसांगी जदों मैंडी तखर ते निंजा दा एक इमोशनल सीन आउंदा है, मैंडी उन्होंने अपने घरों कढ दिंदे ने, वो सीन बेहद इमोशनल है, तो उत्थे निंजा की परफॉर्मेंस बहुत ही बाकमाल है, तो मैंडी ने भी उन्हों का पूरा पूरा साथ दिता है, बहुत ही सोहनी मैंडी तो सोहनी अदाकारा है ही, बहुत सोहना काम करते हैं। सो इस फिल्म वेख के निंजा की एक्टिंग के भी तुसी फैन हो जावोगे। इस तो अलावा होर कई सीन ने जिते तुहानूं निंजा अपनी एक्टिंग दे कायल कर लैणगे। पहले इस फिल्म दे विच निंजा ते मैंडी तखर तो अलावा याद गरेवाल ने, राजीव ठाकुर ने हमेशा जिन्होंने हसाया, इस फिल्म तो हानू रवा भी सकते हैं, इमोशनल फिल्म भी है। याद गरेवाल ने, राजीव ठाकुर ने फिल्म दे विच वड्डा गरेवाल फिल्म दे विच एक अहम किरदार निभा रहे ने, अमृत एमबी ने फिल्म दे विच, सैमुअल जॉन ने बहुत सोहना काम किया है, सरदार सोही ने, मैडम अनीता मीत ने, सो सारे ही कैरेक्टर्स बाकमाल ने, ते एक्टिंग ते तुहानू पता ही है इन्हां नामां दे नाल जदों एक्टिंग जुड़ जाती है तो किन्ना सोहना कॉम्बीनेशन है, किन्ना सोहना काम करते हैं, तुहानू सबनू ही पता है। म्यूजिक की गल करिए तो फिल्म का म्यूजिक बहुत सोहना है, बहुत एंटरटेनिंग है, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री दे विच जदों कोई भी फिल्म हिट होंदी है तो उहदा एक्सपेक्ट
ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅੰਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੰਡਰ ਵੰਡਰ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 stars out of 5। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।